इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पटना के कंकड़बाग श्रीराम लोहिया नगर के पास श्रीराम अस्पताल के समीप किन्नर के डेड बॉडी रखकर सुबह से ही हंगामा किया जा रहा था, लेकिन करीबन 2 से 3 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया, जिसको लेकर पटना के ASP संदीप सिंह ने जैसे ही मौका घटनास्थल पर पहुंचे उसके बाद लाठी चार्ज शुरू हो गया किन्नरों पर। यह नजारा देखिए कि किस तरीके से किन्नरों पर लाठी चार्ज की गई है, क्योंकि किन्नर जो है वो मांग कर रहे थे कि जो अपराधी किन्नर को मौत के नींद सुला दिए हैं उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। करीबन 2 दिनों से किन्नरों की मौत हो रही है, कल भी पटना के गायघाट के पास किन्नर की मौत हुई है और आज 4 बजे सुबह के करीब किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर किन्नर ने आज लोहिया नगर कंकड़बाग इलाके में जो है डेड बॉडी रखकर पूरी तरीके से हंगामा कर रहे थे। जो आसपास के लोग खड़े थे उन्हें किन्नर भगा रहे थे और अंग नंग प्रदर्शन कर रहे थे, पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो किन्नर कई दुकानों को बंद भी करते हुए नजर आए। जैसे ही पटना के ASP संदीप सिंह मौके वारदात पर पहुंचे और पूरी तरीके से जांच की और उसके बाद रास्ते से हटाने के लिए किन्नरों को लाठी चार्ज करना पड़ा है। ये नजारा देखिए कि किस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है और किन्नरों को गुस्सा किस तरीके से फूटा है। जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो किन्नरों के ऊपर लाठी चार्ज की गई है, करीबन 3 से 4 घंटे तक सड़क के किनारे किन्नर के डेड बॉडी को रखकर हंगामा कर रहे थे और कई गाड़ियों को तोड़फोड़ की, जिसके बाद किन्नरों के ऊपर पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया है किन्नरों के ऊपर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किन्नरों के ऊपर लाठी चार्ज की गई है। संदीप को सस्पेंड करो।